के राम मंदिर में 22 जनवरी को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जैसे जैसे समारोह का दिन नजदीक आ रहा है, बीजेपी सक्रिय होती जा रही है। हालांकि बीजेपी के लिए राम मंदिर एक चुनावी मुनाफा देने वाला भी मुद्दा हो गया है। बीजेपी सोशल मीडिया पर इसे लेकर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कर रही है और मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा सहयोग पीएम मोदी और बीजेपी का बताया जा रहा है। इसी प्रोपोगेंडा को तेजी से फैलाया जा रहा है। 10 जनवरी की सुबह बीजेपी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करती है और ट्रोल हो जाती है और फिर उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ता है। दरअसल बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर लिखा था कि 1556 ईस्वी में बाबर ने श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई थी। राम राज्य संघर्ष से परिणाम तक के अध्याय एक अमावस्या में देखिए कैसे 20वीं सदी में मंदिर निर्माण के लिए बजी संघर्ष की अंतिम रणभेरी। थोड़ी ही देर में ये पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गया। क्यों छाया वो भी आपको बताएंगे। दरअसल इस तथ्य को इतिहासकार गलत बता रहे हैं। कई इतिहासकारों ने भाजपा के पोस्ट पर कमेंट कर बताया है कि इसमें तथ्यात्मक गलती है। जनसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार रुचिका का नाम की एक इतिहासकार ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बाबर की मौत 1530 में ही हो गई थी, फिर उसने 1556 में मंदिर कैसे ध्वस्त किया। रुचिका शर्मा के इस कमेंट का समर्थन करते हुए एक अन्य इतिहासकार ने तंज कसते हुए लिखा कि इस देश में इतिहास का गंभीरता से अध्ययन करने वाले लोगों को छोड़कर हर कोई इतिहासकार है। अब जब बीजेपी इस मामले को लेकर चारों तरफ से घिरने लगी तो पोस्ट ही डिलीट कर दिया। वैसे तो बाबर ने अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी या नहीं, इसे लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए आंदोलन का नाम राम जन्मभूमि आंदोलन था, क्योंकि हिंदुओं का बड़ा वर्ग ये मानता रहा है कि उनके आराध्य राम का जन्म यूपी के अयोध्या में हुआ। हालांकि इस दावे को समय समय पर चुनौती मिलती रही। राम के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की राय अलग अलग रही। राम का जन्म अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान तक में बताया गया, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वही साल 2009 में फ्रंट लाइन को दिए एक इंटरव्यू में प्रख्यात इतिहासकार डीएन झा ने अपनी रिपोर्ट पर बात की। बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के राज्य के एक सैन्य अधिकारी मीर बाकी ने 1528-29 में कराया था। आरएसएस का मुख्य तर्क ये है कि मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और यहाँ राम का जन्म स्थान था, लेकिन सच ये है कि 1948 से 1949 में गोविंद वल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व काल और नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में मूर्तियों को मस्जिद में रखकर चमत्कारिक घटना बताया गया था। तब से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक किसी ने इस विवाद के बारे में कुछ नहीं सुना। विश्व हिंदू परिषद के अस्तित्व में आने के बाद काशी, मथुरा और अयोध्या को तीर्थ स्थल बताना शुरू किया गया। इतिहासकारों के अलग अलग दावे, लेकिन बीजेपी अपने इस दावे पर ऐसी ट्रोल हुई कि अपना पोस्ट ही डिलीट करना पड़ा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।